तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुराने स्टम्पर बॉल को ग्रिप कैसे करते हैं। देखिए आप, इसकी ग्रिप चली गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें लगने वाला है एक पुराना स्टम्पर बॉल, एक थ्रेड और एक ग्लू। आपको क्या करना है कि इस स्टम्पर बॉल को पहले एक ग्लू से बीच में की लाइन दिख रही है उधर ग्लू लगाते जाना है। थोड़ा थोड़ा लगाइएगा क्योंकि ये स्प्रेड होना चाहिए, आपको जितना चाहिए उतना। फिर बाद में ऐसे आप हाथों से इसे स्प्रेड कर दीजिए, ज़्यादा मत स्प्रेड कीजिएगा। तो ये हो गया है। अब इसे हम थ्रेड की मदद से ऐसे राउंड राउंड घुमाना है। तो आप जितना चाहिए उतना घुमा सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा वाइड मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर आप बॉल को खेलते हैं, अगर ये बॉल गीला हो जाएगा तो ये ग्लू गीला होके इससे ये थ्रेड निकल सकता है। तो बॉल को गीला मत होने दीजिएगा। और सिमिलैरिटी रखिएगा हर लाइन में। इधर कम था इसलिए मैंने इधर लगा दिया है, और इधर भी थोड़ा कम है। तो ये देखिए पूरा हो गया है। तो हम इसे काट देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने काट दिया। और अब क्या करना है आपको कि ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है, ज़्यादा साइड साइड को लगाइएगा पहले। इस साइड हो गई, अब दूसरी साइड। अब इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाइए, थोड़ा थोड़ा ही लगाइए। और उसके बाद आप स्प्रेड कीजिए इस पे। और ये धूप में सुखाइए, और इसको ध्यान रखिए कि गीला मत कीजिएगा। और इसे सूखने देते हैं। अब इसे ऐसे ही करते जाइए 2 मिनट तक, मतलब ये अच्छे से बैठ जाएगा। ऐसा अगर ये हो रहा है तो इधर थोड़ा सा ग्लू लगा के इसे आप फिक्स कर सकते हैं,
इस तरह से। तो इसे 2 मिनट तक करते जाइएगा। तो ये सूखने दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे ये सूख चुका है, ये बहुत अच्छी मुझे ग्रिप दे रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।